सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हम वॉल्सवैगन वर्टुस का रिव्यू करने वाले हैं। तो जो नया न्यूली लॉन्च हुआ है सेडान, जो कि काफ़ी प्रीमियम लगता है, तो अभी इसका फ्रंट लुक आपको दिखा रहे हैं। फ्रंट की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको क्रोम मिल जाता है इस गाड़ी में, और इसका जो ग्रिल है ये छोटा सा मिलता है, जो कि प्लास्टिक ट्रीटमेंट का यूज किया गया है। यहाँ पे नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको ब्लैक टाइप का यूज किया गया है हर जगह, और यहाँ पे आपको क्रोम मिल जाता है इस गाड़ी में। साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसका एलवाई जो मिलता है आपको डायमंड कट टाइप मिलता है इस गाड़ी में, देख सकते हैं आप। ओआरवीएम इंडिकेटर मिल जाता है ओआरवीएम पे, बॉडी कलर का ओआरवीएम मिल जाता है इसमें। डोर हैंडल्स की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा क्रोम का यूज किया गया है। बैक की तरफ आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा ब्लैक ट्रीटमेंट का यूज किया गया, और यहाँ पे आपको क्रोम मिल जाता है इस गाड़ी में। TSI वैजिंग मिल जाती है यहाँ पे, यहाँ वर्टुस की वैजिंग मिल जाती है इस गाड़ी में। बॉस वैन का लोगों की बात करें तो यहाँ पे ब्लैक टाइप का ट्रीटमेंट भी यूज किया गया है इस गाड़ी में। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा क्रोम यूज किया गया है। सो गाइस, इसका हेडलाइट की बात करें तो आपको LED मिल जाता है इस गाड़ी में, हैलोजन नहीं मिलता है इसका जो हेडलाइट है, देख सकते हैं आप। और इसका हेडलाइट आपको LED मिल जाता है इस गाड़ी में, हैलोजन नहीं मिलता है। तो गाइस, आ चुके हैं इसके इंटीरियर की तरफ। तो इंटीरियर काफी प्रीमियम लग रहा है इस गाड़ी का, देख सकते हैं। इसका स्क्रीन यहाँ, मतलब स्क्रीन पूरे में फील होता है इस गाड़ी में, मतलब क्या गाड़ी बना दिया है गाइस, मतलब सेडान में काफी प्रीमियम लग रहा है ये गाड़ी। यहाँ पे आपको ओआरवीएम एडजस्टमेंट जो मिलता है ये ऑटोमेटिक मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक लाइट मिल जाता है, जो कि आपको हैलोजन नहीं LED मिलता है। नीचे की बात करें तो स्टेयरिंग पे आपको मतलब थोड़ा सिल्वर टाइप का यूज किया गया है। यहाँ पे वॉल्सवैगन की लोगो मिल जाती है। मीटर की बात करें तो मीटर काफी खूबसूरत लग रहा है गाइस इस गाड़ी का, देख सकते हैं आप मीटर इसका। गाइस क्या मीटर है भाई, ब्लू टाइप का यूज किया गया है हर जगह। एवरेज वगैरह सब बताएगा, इंडिकेटर वगैरह मतलब टेम्परेचर वगैरह सब बताएगा, जो कि काफी मतलब बड़ा मीटर मिल जाता है इस गाड़ी में। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे कंट्रोल मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है इस गाड़ी में। यहाँ पे आपको व्यू वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से मतलब ये सेट हो जाता है, मतलब सेट वगैरह करने का ऑप्शन मिल जाता है पूरा इस गाड़ी में। स्टेयरिंग, इसमें आपको स्टेयरिंग एडजस्टमेंट मिलता है। जो कि आपको टेलीस्कोपिंग मिलता है ऊपर नीचे वाला, इसमें ये गाड़ी में आपको मिल जाता है। नीचे की तरफ आते हैं तो इसका जो सीट एडजस्टमेंट है वो आपको मैनुअल करना पड़ता है। सीट एडजस्टमेंट जो है आपको मैनुअली मिल जाता है इस गाड़ी में, और जो हाइस्ट एडजस्टमेंट है वो आपको मैनुअली करना पड़ता है। यहाँ पे विंडोज के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक बटन मिल जाता है। इसका जो डोर हैंडल्स है वो काफ़ी प्रीमियम बनाया गया है, और यहाँ पे आपको थोड़ा क्रोम मतलब सिल्वर टाइप का फिनिश का यूज किया गया है इस गाड़ी में। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको ओआरवीएम फोल्ड अनफोल्ड जो मिलता है वो ऑटोमेटिक मिल जाता है इस गाड़ी में। यहाँ पे हेडलाइट के स्विचेस वगैरह सब हैं, जो कि ऐसा मिलता है इस गाड़ी में। और एसी के वेंट की तरफ आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा ब्लैक ट्रीटमेंट का यूज किया गया है, मतलब काफ़ी अच्छा फिनिश देने के लिए। और यहाँ पे एसी के आसपास पूरा सिल्वर मतलब ये जो पूरा लाइन से यूज किया गया है, मतलब सिल्वर ट्रीटमेंट का इस गाड़ी में। हजार्ड का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है इस गाड़ी में। सनरूफ मिल जाता है इस गाड़ी में, जो कि पैनानोविक नहीं मिलता है, सनरूफ मिल जाता है, जो कितना बड़ा मिलता है इस गाड़ी में। यहाँ पे मिरर मिल जाता है इस गाड़ी में। ग्लव बॉक्स की तरफ आते तो इसका ग्लव बॉक्स काफ़ी बड़ा दे रखा है गाइस, देख सकते हैं आप। यहाँ पे जो सीट है इसमें थोड़ा ये मतलब गोल्डन टाइप का, गोल्डन ब्लैक का यूज किया गया है कॉम्बिनेशन का। तो गाइस, इसका स्क्रीन की तरफ आते तो ये 25 सेंटीमीटर का मिलता है इसका स्क्रीन, देख सकते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा है यहाँ से यहाँ तक है। यहाँ पे बस सब टच मिल जाता है आपको, मतलब जो सिलेक्ट वगैरह करना है मतलब टच मिल जाता है इस गाड़ी में। ब्लूटूथ वाईफाई कनेक्टिविटी के साथ आता है ये गाइस।
यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का भी ऑप्शन मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल डीएक्टिवेटेड, यहाँ पे टच मिल जाता है इस गाड़ी में, देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। डीएक्टिवेट एक्टिवेट भी हो जाता है ये ट्रैक्शन कंट्रोल, यहाँ से टच मिल जाता है, यहाँ पे ऑफ करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ होम वगैरह कंट्रोल्स मिल जाता है, ऐप वगैरह भी आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल से, यहाँ से होम हो जाता है। एप्पल कार प्ले एंड्रॉयड ऑटो के साथ आता है ये, कार डैशबोर्ड वगैरह सब बताएगा आपको, ड्राइविंग डाटा, मतलब काफ़ी अच्छा फीचर दे रखा है, फ्यूल कंजप्शन, एवरेज स्पीड, ट्रिप, मतलब सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इसके स्क्रीन ही पे, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे हजार मिल जाता है, यहाँ पे हर जगह ब्लैक ट्रीटमेंट का यूज़ किया गया है इसके। सो गाइस, इसके एसी की तरफ आते हैं तो ये आपको एसी का जो कंट्रोल है वो आपको पूरा टच मिल जाता है इस गाड़ी में, मतलब एडजस्टमेंट वगैरह सब टच मिलता है इस गाड़ी में। एसी में इसका प्लास्टिक ट्रीटमेंट का यूज़ किया गया, नीचे की तरफ आपको स्पेस दे रखा है, वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाता है इस गाड़ी में, और यहाँ पे मतलब चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है इस गाड़ी में। और इधर की तरफ बात है तो ये गाड़ी 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आता है, ये मैनुअल वर्जन है, यहाँ पे आपको फैन वगैरह का एडजस्टमेंट है, यहाँ स्टार्ट स्टॉप बटन इस गाड़ी का यहाँ मिलता है, जस्ट गियर के साइड मिलता है इस गाड़ी में, और यहाँ पर पूरा ब्लैक ट्रीटमेंट का यूज़ किया गया। तो अभी आपको इसका रिवर्स कैमरा दिखा देते हैं, इसका रिवर्स कैमरा देख सकते हैं काफ़ी क्लियर है, ये जस्ट डाउन होके लगता है इसका रिवर्स कैमरा, देख सकते हैं आप, काफ़ी क्लियर है इस गाड़ी का, देख सकते हैं। बैक की तरफ आ चुके हैं गाइस, तो बैक से गाड़ी का कुछ इस तरह का लुक आ रहा है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको लाइट मिल जाता है, जो कि एलईडी मिलता है, हैलोजन नहीं मिलता है इस गाड़ी में, रियर एसी वेंट मिल जाता है इस गाड़ी में, काफ़ी मतलब स्पेस अच्छा है इस गाड़ी में, देख सकते हैं, काफ़ी मतलब फैल के बैठा हूँ मैं तो स्पेस काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी में, गैप हैंडल्स मिल जाता है, सनरूफ मिल जाता है इस गाड़ी में, स्पेस काफ़ी अच्छा दे रखा है, बैक से गाड़ी का उसी तरह का लुक आ रहा है। और यहाँ पे आपको हर जगह थोड़ा लेदर का यूज़ किया गया है, सॉफ्ट लेदर का, यहाँ हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, और यहाँ पे थोड़ा वाइट ट्रीटमेंट का यूज़ किया गया है, वाइट एंड ब्लैक ट्रीटमेंट का यूज़ किया गया है सीट पे पूरा इस गाड़ी का, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो पावर फिगर की बात करते हैं आप, तो गैस जो इसमें जो पावर फिगर की बात करें तो इसमें 147 BHP मिल जाता है, जो कि बहुत इनफ पावर है मतलब इस सेगमेंट में 6 स्पीड ट्रांसमिशन के हिसाब से। और इसमें आपको 521 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है और 45 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। तो गैस आ चुके हैं उसके बूट की तरफ, भी आपको इलेक्ट्रिक मिल जाता है, इसका जो स्विच है सिंपली यहाँ से ऑन हो जाता है। तो बूट की बात करें तो काफ़ी बड़ा स्पेस है इसमें, देख सकते हैं आप बूट में, तो ये आपको 521 लीटर का मिल जाता है, बहुत अंदर तक स्पेस है, देख सकते हैं आप यहाँ तक एकदम इस गाड़ी में। और यहाँ एक लाइट मिल जाता है जो कि आपको लगेज वगैरह रखने में हेल्प करेगा, हेलोजन मिल जाता है, स्पेस काफ़ी अच्छा है इसमें बूट्स में, 521 लीटर का मिल जाता है।